और आपको हम गर्मा गर्म Z900 प्रोवाइड कराएंगे। ठंड वैसे ही बहुत हो रही है, तो अगर हाथ वगैरह ज्यादा ठंडे होते बाइक चलाते तो आग लगा के आप गर्म भी कर सकते हैं। तो आज हमारे लाइनअप में जो सबसे सस्ती बाइक होने वाली है वो हार्ले डेविडसन की। सो व्हाट्स एवरीबॉडी, आई एम फ्रॉम सेन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो था डेविल किंग के ऊपर, बेनेलीज और Z900 काफी सारी बाइक्स थी उसके अंदर, तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया स्टॉक लेके आ चुके हैं जिसके अंदर काफी सारी बेनेलीज हैं, Z900 है, कावासाकीज हैं, हार्लेज हैं, और पीछे भी आप देख सकते हो काफी सारी हार्लेज है, ट्रायम्फ है, हर ब्रांड है हमारे पास, जो पॉसिबल ब्रांड हो सकती है आज हम आपको दिखाएंगे। तो आप पीछे लाइनअप देख सकते हो, लाइनअप तैयार हो चुका है। सबसे पहले प्रिंस भाई से मिलते हैं, फिर बाइक्स की डिटेल लेते हैं, और आज एक डिलीवरी भी है, इन्हीं बाइक्स में से एक बाइक जाने वाली है, जब मैं आया था तब उसकी बुकिंग चल रही थी, तो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि हम फिर से प्रिंस पाजी के पास आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो पाजी आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। आज फिर से इसका चैनल मैंने हैक कर लिया है। जब मेरे पास कोई यूट्यूबर आ जाता है ना, तो मतलब मेरा भी व्लॉग वगैरह बनाने का मन करता है, वैसे सच्चा है इतना करता नहीं है, पर अच्छी बात है आगे आपने हैक करा। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो थी, इस पर पाजी लोगों ने भर भर के प्यार दिखाया, उस पर अभी 2.5 लाख व्यूज हो चुके हैं, जो हमारी बेनेली वाली वीडियो थी, और एकदम फिर से बड़े बड़े पॉकेट रॉकेट्स लेके आ चुके हैं आपके लिए। बस भैया ऐसा रहता है कि जब एक बंदा अच्छी नीयत से काम करता है ना, मतलब तो प्यार ऑडियंस भी समझदार है, वो प्यार देती है, उसको भी पता है कि डेविल किंग पे आना है कहाँ जाना है। सही बात, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट उनको भी ये चीज़ पता है कि आफ्टर मार्केट सेल सर्विस डेविल किंग की क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, कैसी चीज़ें हैं, तो उनको भी पता। आपने कस्टमर के मुँह से भी अभी ये चीज़ सुनी होगी कि आफ्टर मार्केट भी हमारी मतलब पूरी टीम है जो इसमें काम करती है, कि ये नहीं आपने बाइक ली और चले गए, हमारे पास कोई मैकेनिक नहीं, अपना पर्सनल कोई कुछ भी नहीं, कि आपने बाइक ली और बाइक में दिक्कत आई तो हम बोलेंगे हाँ भैया कंपनी चले जाओ या कुछ भी है, ऐसा तो यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो बस ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेटर रहती है डेविल किंग के साथ। सो गाइस, जैसे कि अभी आपने डिलीवरी सेरेमनी देखी, तो हमारे बीच एक Z900 जिसकी हम वीडियो बना रहे थे वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, और वो गाइस वो खरीदी असलम भैया ने। तो भैया सबसे पहले तो आपने मतलब ये ढूंढा कैसे कि आपको डेविल किंग से बाइक लेनी है? ये डेविल किंग्स को हमने यूट्यूब पे देखा था, और आपके भैया का चैनल है, उस पर हमने नंबर वगैरह मिल गए, सर्विस बहुत अच्छी मिली है भाई, ऐसा दिक्कत नहीं आई, क्या फ़ोन पर बात नहीं कर रहे या कुछ नहीं, फ़ोन उठाया, लोकेशन वगैरह सब दी गई, और डील भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड किया, ऐसा नहीं क्या भाई सही तरीके से बात नहीं हुई। बाकी आपको बाइक कैसी लगी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में? नहीं, बाइक बिल्कुल ओरिजिनल है, नीट एंड क्लीन है, बाकी है अब तक का जितना भी एक्सपीरियंस है बढ़िया रहा आपके साथ। मतलब भैया का ओवरऑल एक्सपीरियंस डेविल किंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा, तो भैया बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको बाइक का। शुक्रिया, की लेते हैं तो बाइक को चालू कर दीजिए, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं आपके हाथों से। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेनेलीज से, जैसा हम हर बार करते हैं, तो गाइस हमारा इसकी बात करते हैं, तो बेनेलीज का गाइस आपको स्टॉक मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी अभी हमारा थोड़ा मतलब गोडाउन वर्क चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे रोड की जगह हम अपने एक स्टेबल जगह पे, हाँ गोडाउन में 30-40 बाइक इकट्ठी दिखा दें, क्योंकि गाइस इस फ्रेम में मेरे हिसाब से 9-10 बाइक ही अच्छी लगेंगी, और लग भी नहीं पाएंगी, और बाइकें फिर रोड तक चली जाती है, तो इसलिए भी नहीं पाएंगी, फ्रंट लाइन ही। अभी बेनेली में और भी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, आपको नॉन ABS के भी, ये सारे आपको मैं ABS दिखा रहा हूँ, जो हमारे टॉप वेरिएंट है, लो वेरिएंट के लिए भी आपको ये नंबर दिख रहा होगा डेविल किंग्स का, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमने नंबर सामने इसलिए रख दिया क्योंकि लोग क्या था कि आसपास मेरे जो हैं बोर्ड वगैरह और भी लोग काम करते हैं, तो जिसके कि लोग ही आगे मुझे बताते थे भैया ये बाइक आपकी मिल रही है, ये बिक रही है, तो फिर अब जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं आपको ये नंबर मिल जाएगा, इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी रेज कर सकते हैं। बाकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली दिया है, आप गूगल मैप के थ्रू दुकान आप डेविल किंग्स डालेंगे, यू सुपर बाइक डालेंगे, करोलबाग इन करोलबाग, तो आपको डेविल किंग मिल जाएगा। ओके, तो पाजी इसकी डिटेल्स क्या होने वाली है? तो गाइज ये अपना रहने वाला है 2019 का मॉडल। ओके, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इसकी दिल्ली से बाहर की रहेगी, RG की इसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी, राजस्थान नंबर रहेगा, जो भी राजस्थान की व्यूअर्स अगर वो लेना चाहते हैं, ट्रांसफर वगैरह की हमारी सारी गारंटी रहेगी, और 90 डेज की आपको बाइक की इंजन वारंटी मिलेगी ऑन लेटर पैड, ये नहीं कि हमने आपको बोल दे भैया 6 महीने की गारंटी है, 6 महीने बाद आपको मिलेगी ना कि भैया कहाँ है,
और पाजी एसेसरीज क्या क्या लगी हुई है, जैसे क्रैश गार्ड इसमें हम देखेंगे तो क्रैश गार्ड लगे हैं, हम इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें क्रैश गार्ड लगे हुए हैं और रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है हमारी, ठीक है गाइस। और इसमें हमारे एक्सेल के एग्जॉस्ट लगे हैं, एक्सेल के लगे हैं जो बहुत ही ज्यादा लाउड है, बट इसको मैंने जो था ना थोड़े से खराब हो रहे थे तो इसको हमने क्रोम करवा दिया था, तो दैट्स व्हाई इसमें स्टिकर नहीं है, बट ये 100% जेन्युइन एक्सेल के एग्जॉस्ट है, 100% कॉपी आता भी नहीं है, नहीं एक्सेल कॉपी आता भी नहीं है। और इसकी एक बार हम अपने उसको बोले कैमरामैन को आवाज सुनाए, एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। आपने देखा इनसेन लाउड थी ये, काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा लाउड है गाइस बाइक, क्योंकि 19 मॉडल है तो दैट्स व्हाई 19 रजिस्टर जो बाइक होती है तो वो बिल्कुल मतलब एक दो साल ही चली होती है, तो दैट्स व्हाई इसका इंजन बहुत ही ज्यादा अभी मतलब लाउड है, मतलब लाउड और भी बाइक होती है बट अभी एक्सेल लगा हुआ तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको लाउड आवाज मिल जाएगी। सो गाइस आपको एग्जॉस्ट की आवाज कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना आवाज कैसी आपको लगी, और जो लक्की बायर है उसको लेना चाहता है लाउड बाइक को बेनेली को तो आके डेविल किंग में विजिट कर सकता है, टेक्निकल वारंटी हम 2-3 दिन की देते हैं, जो भी सारी चीजें रहती हैं जिसमें सेंसर पार्ट लोग वारंटी नहीं देते, क्लच प्लेटों की वारंटी नहीं देते हम, उसकी भी 2-4 दिन की कस्टमर को वारंटी टेक्निकल वारंटी भी दे देते हैं। क्लच प्लेट का ऐसा बंदा एक दिन में भी जैसी चलाएगा तो उससे फूक सकती है, हम तब भी टेक्निकल देते हैं अपनी तरफ से वारंटी की, तब भी आपको कोई इशू आए 1-2 दिन तक तो आप हमारे पास आके क्लेम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ लो तो आपको मतलब फीडबैक अच्छी रहनी चाहिए। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि बैकअप में हमारे पास मैकेनिक भी रहते हैं, तो जैसे कि आपकी कोई बाइक ख़राब होगी, जैसे सपोज करिए आप उत्तराखंड से आए या मुजफ्फरनगर से आए या किसी भी अदर एरिया से आए, जैसे आपके वहाँ पे बनेली का शोरूम नहीं है या आपको मैकेनिक नहीं मिल पा रहा, तो आपको डेविल किंग से अगर आप बाइक लेते हैं तो आपको वो टेंशन हटा देनी है, वो टेंशन आपने मुजफ्फरनगर ही भेजी है। हाँ ये बाइक जैसे गई है, अब इनको कोई इनके वहाँ पे अब शोरूम नहीं है और ये 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमारे एरिया से दूर है, तो अब इनको कोई भी सर्विस या कोई भी सामान या कोई भी पार्ट चाहिए होगा तो हम इनको मुजफ्फरनगर में प्रोवाइड कराएंगे विद एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी रहेगा, मतलब पार्ट की जो है जो भी जाने का कॉस्ट है पार्ट भी पार्ट MRP रहेगी, लेबर आपको लेबर बताएगी जो भी बेस्ट रहेगी हम करवा देंगे। बाकी गाइस ये व्हाइट वाली बनेली की बात करें, अगर व्हाइट वाली बनेली में देखेंगे तो हमें लिमिटेड एडिशन का स्टिकर लगा हुआ है इसके अंदर, बनेली का स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे, बनेली का लिमिटेड एडिशन का स्टिकर लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगे हुए बनेली के ओरिजिनल, रेडिएटर ग्रिल इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें भी लगी हुई है रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है ये, ठीक है। तो गाइस रेडिएटर ग्रिल का जो मेन है ना वही पर्पस होता है कि जैसे कोई पत्थर या कीचड़ वगैरह हमारे रेडिएटर में फंस जाता है जिससे कि बाइक जो है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो रेडिएटर ग्रिल से आपका कभी रेडिएटर ख़राब नहीं होता, मतलब आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपके आने वाले जो 15,000 रुपये का खर्चा होता है वो बच जाता है। और इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें भी एक्सेल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हाँ दिल्ली की रजिस्ट्रेशन बाइक है ये, एक्सेल के एग्जॉस्ट लगे हैं, ये भी इनसेन लाउड है, तो इसकी भी एक बार बोलूँगा कैमरन साहब को आवाज़ सुनाए। दोनों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, और एक्सेल क्या है कंपनी रिकमेंडेड एग्जॉस्ट होते हैं, तो कंपनी जो है वो मतलब जो मतलब एक्स्ट्रा पे करता था उस टाइम पे तो वो एक्सेल लेके चलता था, बाकी और भी लाउड एग्जॉस्ट आते हैं जो अपने बायर जो होते हैं अपने हिसाब से हम लगा लेते हैं, जैसे कि आप ये बाइक रखते हैं आपको अब एक्सेल का साउंड भी थोड़ा कम लग रहा है तो आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगाएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको जो है वो साउंड प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसी प्रोडक्ट आ जाता है, ऑस्ट्रो रेसिंग आ जाता है, आ जाते हैं आप इसकी प्राइसिंग में जो हमारी वाइट बनेली रहने वाली है, और इसकी प्राइसिंग गाइस रहेगी डेविल किंग में सिर्फ 4,30,000 रुपये में आपको ये बाइक मिल जाएगी, और मात्र आप 1,00,000 रुपये की डाउन पेमेंट करेंगे तो हम 3 से 3.5 लाख रुपये के बीच में आपका इस बाइक का लोन करा देंगे। 17 मॉडल का इस बाइक है और 18,000 किलोमीटर डन है, ABS वाली बाइक है, बस इसमें स्टिकर नहीं लगा जो आगे लगा आता है, बट ABS वाली बाइक है तो ABS का साथ भी आपको बाइक के मिलेगा, ABS है इसमें और विदाउट ABS भी अगर किसी को बजट इशू होता है कि गाइस मतलब आपको अंडर 4 लाख चाहिए मतलब 3.5-3.75 के आसपास बाइक चाहिए बनेली, तो वो भी अभी 1-2 बाइकें स्टॉक में अवेलेबल हैं, तो आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी जो है वो आप रेज कर सकते हैं, तो जो भी बेस्ट रहेगा हम आपको ऑप्शन वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर हमारे पास बाइक तब तक अवेलेबल रहती है। जैसा कि आज हमने सोचा था 4-5 G900 लगा के वीडियो बनाएंगे, बट एक G900 भैया से आते ही सेल होगी
तो दैट्स वाई मतलब कि बाइकों का मतलब आजकल यंगस्टर में थोड़ा मतलब क्रेज ज़्यादा क्रेज है, तो दैट्स वाई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम आते हैं बैकअप प्राइस, इसका प्राइस भी इसका प्राइस नहीं बताया गाइज, इसका प्राइस आपको डेविल किंग में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल जाएगा, सिर्फ 4,95,000 में आपको 19 मॉडल बेनेली मिल जाएगी। पूरे हिंदुस्तान का चक्कर मार लेना, एक्सिल लगी बाइक अगर मिल जाए तो लाउड, हाँ इतनी लाउड बाइक कहीं आपको नहीं मिलेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का चक्कर मार लेना विद वारंटी एंड विद एक्सीडेंटल वारंटी और सारी चीज़ों की वारंटी के साथ। आपको इतनी साफ और इतनी क्लीन बाइक नहीं मिलेगी। बाइक की जो हम इसकी बात करें, ये लगभग लगभग 21,000 किलोमीटर चली हुई है। और पाजी इस रेड वाली की बात करें, अगर हम इस रेड वाली पे आ जाते हैं गाइस, तो ये रहा अपना 18 मॉडल, ये है 2017, ये है 19, तो लगानी ऐसे चाहिए थे बट अब जो भी है लगी हुई है। तो ये 18 मॉडल का गाइस हमारा रहेगा जो आस्किंग प्राइस है वो रहेगा 4,75,000, जो कि फर्दर ऑन टेबल नेगोशिएबल हो जाएगा। गाइस हम इसकी जो बात करते हैं, ये वाली बाइक हमारी 18 मॉडल और 4,75,000 में आप ये डील को है जो ग्रैब कर सकते हैं अपना डेविल किंग्स में। और फाइनेंस फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया हमारी अवेलेबल रहती है, अगर आपका बाइक लोन नहीं हो पाता तो हमारे पास फर्दर भी आपको लोन प्रोवाइड कराने के मतलब वो चीज़ें रहती हैं, वो हम आपको कॉल पे ही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बाकी अब इसकी रेंज की आपको मैंने बता दी, एक बार बाइक के एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इसके अंदर गाइस देख सकते हो ऑस्टन रेसिंग लगा हुआ है। पाजी ये ओरिजिनल है या रेप्लिका? ये आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। देख लें बाइक की 18,000 चली हुई है, 18 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है और 18,000 बाइक चली हुई है। और गाइज आपको ये डेविल किंग पे मिल जाएगी 4,75,000 की, बाकी फर्दर वो नेगोशिएबल होगा वो ऑन टेबल हम कर लेंगे। आप डील कैश, अकाउंट ट्रांसफ़र जैसे भी करना चाहें, क्रेडिट कार्ड स्वैप करना चाहें तो आप क्रेडिट कार्ड भी हमारे पास स्वैप कर सकते हैं, उसकी भी हम आपकी जो है वो EMIs करवा देंगे। सो गाइस जैसे कि अभी आपने आपको 3 बेनेलीज दिखाई, पाजी हमारे पास और भी बेनेलीज हैं। बेनेली आपको मैंने बता दिया, हाँ वो मिल जाएंगी। अभी लाइनअप पे 9-10 बाइक ही लग पाती है, बट 35-40 बाइकों का लगभग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहता है, 30-35-40 बाइकों के आसपास अवेलेबल रहता है स्टॉक। और अब इस गाइस इस पर्टिकुलर बाइक की बात करें, 2019 का मॉडल रहने वाला है और दिसंबर की रजिस्ट्रेशन है। हम 20 नहीं बोलते, कई लोग ऐसा होते हैं कि इसको भी 20 बोल देते हैं, बट हम 19 का है तो 19 ही बताएंगे, बट दिसंबर की रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। बाइक के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सुनेंगे तो मतलब ताजुब करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे प्राइजेस आपको डेविल किंग सेवा वाला दाम जो है वो अपना प्रोवाइड करा रहा है। जी नौ सौ का क्या प्राइस होने वाला है? सेवा वाला दाम आप बता ही देते हैं। इस गाड़ी का जो दाम है वो सिर्फ 7.5 लाख रुपये होने वाला है, जो कि आपको 6 लाख रुपये तक, 6.5 लाख रुपये तक फाइनेंस फैसिलिटी भी हम अवेलेबल करा देंगे। तो आप 1 लाख रुपए ला के Z900 डेविल किंग से लेके जा सकते हैं। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपकी 3 चीज़ें होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और आप अगर जॉब करते हैं 6 मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर आप बिजनेस करते हैं 2 साल की ITR, अकाउंट वो प्रोवाइड कराना जिसमें 10-20-50,000 रुपये बैलेंस रहता है, और हम उस पर फाइनेंस आपको करा देंगे ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप इस वीडियो को तेलंगाना से देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप पंजाब से देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हैं, असम से, अपना पंजाब से, किसी भी एरिया से देख रहे हैं, उत्तराखंड से, तो आप आके इंक्वायरी रेज करके अपने नाम लोन करवा सकते हैं। मतलब आप इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं जहाँ तक बैंक की फैसिलिटी रहेगी। और पाजी इसके अंदर एसेसरीज के नाम पे काफी कुछ लगा हुआ दिख रहा है। इसके हिसाब में इसमें एक तो एक क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, ओके, क्रैश गार्ड के साथ ये Z900 का ये जो अपना इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं, मास्टर सिलेंडर कवर भी Z900 पे आप ब्रांडिंग देख लेंगे। और प्लस इसमें बॉल का चार्जर भी लगा हुआ, तो जैसे आपने अगर फ़ोन वगैरह चार्ज करना तो वो भी आप कर सकते हैं। और प्लस इसमें रेडिएटर ग्रिल लगी है, जो कि आपको ये दिख जाएगी, ये रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट लगा है गाइस, मतलब आग निकलती है। आपने रील मेरी उसमें देखी होगी इंस्टाग्राम पे, ये पहले ही आ चुकी है रील, तो वीडियो बाद में शूट हो रही है, तो इस पे एग्जॉस्ट में से आपको भी आग निकलती हुई दिखाते हैं, हम जिंदा आग देखना आप निकलती हुई। सो गाइस आप एग्जॉस्ट नोट सुनो जो सबसे ज़्यादा,
गाइस आपको जो बताया गया गाड़ी में आग निकली, तो आपको जिंदा आग निकलती हमने बाइक में दिखाई है। तो अगर जिसको भी आग वाली डील चाहिए, गरम गरम डील चाहिए तो आप आके डेविल किंग पे आ सकते हैं और आपको हम गरमा गरम Z900 प्रोवाइड कराएंगे। ठंड वैसे ही बहुत हो रही है, तो अगर हाथ वगैरह ज़्यादा ठंडे होते बाइक चलाते तो आग लगा के आप गर्म भी कर सकते हैं। तो भाजी इसका प्राइस हमने बता दिया है, 7.5 होने वाला है। 7.5 होने वाला है। तो गाइस पर्टिकुलर बाइक की बात करें तो ये बाइक आप गिरा भी देना तब भी बाइक में एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ने जो ये क्रैश गार्ड हमारे लगाए हुए हैं। तो गाइस ये जो हमारा पार्ट लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, हमारा क्लच चैम्बर तक कवर करते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हैं। अगर ये बाइक आपकी सपोज कर रही है, आप नई नई बाइक राइड कर रहे हैं और आपकी बाइक खड़ी बाइक में अगर गिर जाती है, तो आपको एक केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे आपकी बाइक। तो मतलब कोई सिस्टम नहीं है इसमें, मतलब गिरने के बाद भी निशान आने का, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसमें हम देखेंगे तो टोस डिज़ाइन के हमारे वो लगे हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो एग्जॉस्ट गाइस हर तरह के आते हैं, ए टॉस के आते हैं कि AR के आते हैं कि SC के आते हैं। तो गाइस हम इसके किलोमीटर का प्लस पॉइंट देख लेते हैं। ये जो बाइक है वो 5500 चली है, हाँ जी 5500 ये बाइक चली हुई है, जो कि विद कंपनी रिकॉर्ड है। आप कंपनी में भी जाके चेक करवा सकते हैं, और विद कंपनी रिकॉर्ड के साथ 5500 बाइक चली हुई है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, ये दोनों जो Z900 थी वो सेम थी, उसकी आवाज़ आपने सुनी काफ़ी बढ़िया लगी होगी। तो भाजी अब इसकी बात करते हैं। गाइस ये 2020 की रजिस्ट्रेशन रहने वाली है, दिल्ली सिंगल ऑनरशिप बाइक रहने वाली है। और बाइक में अपना देखेंगे हम, टैंक पैड लगे हुए हैं सारे बाइक में, टैंक पैड सारी बाइक में लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्रैश गार्ड आप देखेंगे, ये कावासाकी की तरफ से ही है, कावासाकी की तरफ से ओरिजिनल है क्रैश गार्ड। एग्जॉस्ट की हम बात करेंगे, आफ्टर मार्केट रहेगा, ओके SC आफ्टर मार्केट। और इसमें भी देखेंगे तो हम रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है Z900 की, आप क्रोम ग्रिल लगी हुई है रेडिएटर की। और Z900 जितनी भी आप देखते हो सारी ABS ही होती है, कोई भी Z900 या कोई भी Z800 विदाउट ABS नहीं आई थी कभी भी। 14 से Z800 आ रही है और 17 से अपनी डिसकंटिन्यू के 900 आ रही है, तो सारी ABS ही बाइक आती है। तो हम इसके किलोमीटर्स की बात कर ले गाइस, तो एक बार किलोमीटर हम इसके दिखा देते हैं। गाइस ये 5700 बाइक चली हुई है। अब एक बार बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, अभी रेस नहीं देंगे। तो गाइस ये बाइक भी बहुत ही ज़्यादा लाउड है। अब हम आ जाते हैं सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट पे, जो मतलब आप कुछ भी, मतलब अगर स्टार्ट करते हैं सुपर बाइक में, मतलब आपने कुछ भी लेना है स्टार्टिंग में, तो अपना हार्ले का ऑप्शन आ जाता है। हार्ले के ऑप्शन में आपको गाइस ये मिल जाएगी 2015 मॉडल की हार्ले रिवेटसन की स्टैंड, जो कि आपको मिल जाएगी 2,60,000 की डेविल किंग्स पे। और फर्दर मोर नेगोशिएबल ऑन टेबल हो जाएगा, जो भी छोटा मोटा करना होगा, जो भी छोटी मोटी गुंजाइश होगी टेबल पे नेगोशिएबल ऑन टेबल हो जाएगी। गाइस अब इसको थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये वाली हमारी बाइक रहेगी, ये भी 2015 का मॉडल रहने वाला है और इसकी आज की सेम है। इसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज आपको बैक रेस्ट मिल जाता है। तो आज हमारे लाइनअप में जो सबसे सस्ती बाइक होने वाली है वो हार्ले डेविडसन की 2014 स्टार्टिंग मॉडल की सिंगल ऑनरशिप बाइक। ये नहीं कि ऑनरशिप नहीं बताई, चार बाइकों की बता दी और बाकी बाइकों नहीं बताई। आपने जितनी भी ये सारी बाइकें देखी है Z900, सारी सिंगल सिप ऑनर में हैं, उसमें कोई सेकंड भी है और फर्स्ट भी है 900 बनेली में। ये सिंगल ऑनरशिप की आपको 2014 की बाइक, 2014 की हार्ले डेविडसन स्टार्टिंग वेरियंट 750 स्ट्रीट। कोई भी अगर सुपर बाइक से स्टार्ट करना चाहता है तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो आपका हार्ले में आ जाता है। तो एक बार हम इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं। इसमें गैस क्रीमी निकल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, 16,000 किलोमीटर चल रखी है बाइक के। तो किलोमीटर इसकी आपको हमने दिखा दिया, अब प्राइस आपको बताते हैं। पहले आवाज़ सुन के बताओ पहले बाइक की आवाज़ अच्छी है कि नहीं। इस बाइक का जो है प्राइस रहने वाला सिर्फ 2,20,000 रुपये में आप एक डील ग्रैब कर सकते हैं। नेट डील है, इसमें कोई नेगोशिएबल नहीं है। बाकी आप आएंगे मान प्यार डेविल किंग हमेशा आपका करती है, तो वो आपका ऑन टेबल हो जाएगा, छोटा मोटा कुछ होना भी होगा। बाकी आप डेविल किंग पे विजिट कर सकते हैं, RS Amal Road 1017 नियरेस्ट आप हमारा पड़ता है सबलोक क्लिनिक। ऑपोजिट हम देखेंगे तो अपना है साउदर्न मसाला, साउदर्न होटल के ऑपोजिट पड़ता है डेविल किंग्स। आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे हनुमान जी की मूर्ति की तरफ से RS Amal Road की तरफ, फर्स्ट यू टर्न लेती
फोर्थ या फिफ्थ शॉप मेरी है डेविल किंग की, तो आप आके अपनी डील को ग्रैब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, और अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पीछे आप देख सकते हो सारी बाइक्स, किसकी आवाज़ आपको सबसे अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज योर फ्रेंड मिस्ट्री बॉय साइनिंग आउट टुडे, टिल देन बाय बाय। और पीछे आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।